स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम बोलना है ठीक ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसे एक बात बताओ, सिस्टम किसको कहते हैं? बोलो सिस्टम किसको कहते हैं, किसको जानते हो सिस्टम? बताओ, कहीं सुना है नाम कंप्यूटर सिस्टम? पर इस सिस्टम में का एक ही खाली कंप्यूटर जाके, अच्छा कंप्यूटर सिस्टम में कौची ला के रखोगे? कम बोल रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम क्या रखेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम हमको बन जाएगा? बताओ, खाली वो टीवी जाके रख देंगे तो हो जाएगा? नहीं, टीवी लावेगा तो उसको बोल रहे मॉनिटर है, कौन कंप्यूटर सिस्टम हो गया? नहीं होगा। कीबोर्ड लावेंगे खाली, तभी नहीं होगा। माउस लावेंगे फिर भी नहीं होगा। अब यूपीएस लावेंगे, यूपीएस किस बोलते हैं, जो बैटरी होता है ना, बैटरी जो इन्वर्टर के साथ रहता है उसको बोलते हैं यूपीएस, वो लावेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम ना हुआ। तो कंप्यूटर सिस्टम बनाने के लिए हम बोलते वहां पर हमको कीबोर्ड भी चाहिए, माउस चाहिए, मॉनिटर चाहिए, ठीक है, माउसपैड चाहिए। माउसपैड तो देखा ही होगा जिस पर माउस चलाते हैं। फिर उसमें यूपीएस चाहिए, सीपीयू चाहिए, बहुत सारे ऐसा चीज। जैसे मान लो कुछ निकालना है प्रिंटर, तो प्रिंटर चाहिए। तो सब कुछ अगर मिलावेंगे तब जाकर के वो सिस्टम बनेगा। तो कंप्यूटर का चीज था तो कंप्यूटर सिस्टम। और वही अगर मान लो कि पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बोलेंगे कि मुंह में गया, क्रॉस नली से होते, ओएसोफेगस से होते हुए अमाशय में गया, फिर छोटी याद, फिर बड़ी याद, फिर उसके बाद एनस द्वारा निकल गया। तो इस सब को जब मिलावेंगे ना तब कल आएगा हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। किसको किसको बोलेंगे? तो देखो ये जो नली दिखाई दे रहा है ना, ये नली थोड़ा सा, तो इसके ऊपर मुंह होगा, इसके ऊपर क्या होगा, मुंह होगा। तो यहां से मुंह से खाया होगा, आई नली होते हुए जिसको बोलते हैं ओएसोफेगस इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। अगर ग्रासनी बोल देगा तो गलत, कहीं ग्रासनी उसको कहते हैं सांस लेते हैं, हवा अंदर जाएगा तो ऐसे चल जाएगा, फूक देंगे चल जाएगा, फिर पाइप होगा अंदर जाएगा, तो जो पाइप होगा ना उसको ग्रासनी वहां पर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रास नली बोलेंगे। तो ये हो गया ग्रास नली। यहां से दिखा जा रहा नहीं बोला, ये क्या है अमाशय, ये क्या है अमाशय। अब यहाँ से देखिए बुलू बुलू, तो इसे इसे गोले गोले घूमा होगा, और गोले गोले घूमने के बाद यहाँ पर ई वाला तब जाकर के ऐसे ऐसे आकर के ऐसे निकला निकला ना। तो ये वाला जो है ये अमाशय, सबसे पहले मुंह, सबसे पहले क्या मुंह, यानी सोचते हैं बक्कल के भीटी, मुख गुहा। ऐसे गुहा बोलेंगे ना तो गलत नहीं समझना, गुहा का मतलब होता है होल, जिसको बोलते हैं छेद। अब बता मुख गुहा, खाएंगे तो छेदना है जाएगा, तो हो गया मुख गुहा। तो मुख गुहा से आएंगे कहां पर, ग्रास नली में, तो ये हो गया ग्रास नली, ठीक। अब ग्रास नली से ये वाला किस में जाएगा, अमाशय में। तो अमाशय को हम लोग बोलते हैं पेट। हम बोलते हैं खाना खाते हैं तो क्या निकल जाता है, पेट निकल जाता है, तो कौन सी हुआ अमाशय में खाना रहता है उसमें, ठीक ना। तो ये अमाशय में पहुंच जाएगा। अब इसके बाद ये छोटा छोटा कहाँ जाएगा, छोटी आंत में, और छोटी आंत से बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद एनस के द्वारा निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अकेले काम कर रहे थे, क्या चीज मिला, मुख गुहा एक, ग्रास नली दूसरा, अमाशय तीसरा, छोटी आंत चौथा, बड़ी आंत पांचवा, एनस छठा। और इस पूरे को जब मिलाते हैं तब कहलाता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम अकेले नहीं होगा, कोई भी चीज का सिस्टम हम बोलेंगे तो एक ही नहीं होगा। जैसे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, जो ब्रेन, नर्वस जो नर्व होता है ना, ब्रेन का ही रूप है, ठीक है। तो ब्रेन में जो बनता है ना वो अकेले नहीं बनता कि खाली वो मतलब न्यूरॉन सेल अगर है तो हो गया, नहीं, और बहुत सारा कुछ होता है। तो पूरे को मिलावेंगे तब जाके कहेंगे कौन सी, ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम। उसी प्रकार से जब सबको मिलावेंगे तो ये क्या कहलाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। बात समझ में आया? अभी मैं समझना कि हमको इतना में आसान हो गया नहीं, अब एकरो में बांटेंगे तीन प्रकार में, ठीक है। अब एक में बताए भूख लगता है ना तो गाता कहाँ है पेट, एहसास कैसे हो जाता है कि भूख लग गया, तो एक में तीन भाग होगा, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, और स्वर पाइलोरी।
तो यह बिचवा में जो रहता है ना, इसके में रोजी निकालता है खाना खा। हम इसके बारे में भी बता देंगे। तो सबसे पहले बात बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में पहला कहाँ जाएगा? मुख्य गुहा, फिर उसके बाद ग्रास नली में, उसको बोलते हैं ओएसोफेगस। इसके बाद ये अमाशय, उसके बाद छोटी यार, उसके बाद और उसके बाद एनस। एनस मतलब गुदा। ये जानते हैं पूरा का जो लंबाई अगर बोलेंगे 32 फीट, कितना फीट होता है ये पूरा लंबाई? इसे कोची है, पाइप है, इसे क्या है? पाइप। ठीक है, कोई चीज लेके जाएगा तो बिना पाइप तो जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे करके पाइप हो जाता है। ये पूरा पूरा लंबाई है 32 फीट। सर ना 32 फीट कितना? ये जो घर का जो लंबाई है, जो ऊंचाई है, ये ज्यादा नहीं है 10 फीट के। ठीक है, और सोचो ये 10 फीट है, एक 3 गुना से ज्यादा हमारा पेट में है, जिसको बोलते हैं ना पचौनी। ठीक है, वही सर तुम्हारा एक नाम मिलेगा, मतलब वही चीज है, और कुछ नहीं है, खाली कैसे है, गोल गोल घूमा घूमा है। और वही घुमा हुआ है तो बोलते हैं कि चलो वही छोटी आता है। आप जानते हो, ये तो समझ में आ गया, इसमें 15 सेंटीमीटर खाली को ये वाला मिलेगा, कौन? ओएसोफेगस, जिसको बोलते हैं ग्रास में। ठीक है, 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर 32 फीट क्या, वो तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी तो किधर है ना। लेकिन जानते हो सबसे बड़ा इसमें कौन है? छोटी या बड़े? नाम है छोटी या, लेकिन साइज में बड़ा। ठीक है, जो साइज में नहीं, लंबाई में बड़ा है। कितना फीट है उसका लंबाई? 9 फीट होता है, लगभग 9 फीट। किसका लंबाई? छोटी। ठीक है, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम यहाँ पर देखे तो एक तो हो गया से निकाले तक। ठीक है, खाएंगे, अंदर पचेगा, ठीक है, अंदर अब्सॉर्ब करेंगे, जो वेस्टेज होगा उसको थ्रू आउट कर देंगे शरीर से, तो पूरे को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक बात बता, सिर्फ एक रे काम है, नलिए का काम है, मिक्स करेंगे कुछ हो? लार मिक्स करेंगे ना। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा दो चीज मिलने से बनता है, एक आहार नल और दूसरा ग्रंथि। तो एक तो हो गया ये आहार नल, तो यहाँ पर देखोगे ये सब देखो छोटे छोटे कुछ है, यहाँ पर तीन चीज होगा, तो यहाँ पर तीन प्रकार, तीन यहाँ पर ग्लैंड रहता है। यानी हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे पूरे बनाने में हमको दो चीज चाहिए, एक चीज हो गया आहार नल और दूसरा चीज चाहिए जिसको बोलते हैं ग्रंथि। ठीक है, तो ग्रंथि मतलब कौन सा? लार ग्रंथि। ठीक है, अब लार ग्रंथि बहुत जगह पाया जाएगा, तुमको यहाँ पर देख लिया मुंह में है ना, पेट में जाओगे ना तो पेट के पास तुमको मिलेगा। ठीक है, जठर ग्रंथि नामे है वहां पर, वो सब आगे देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ समझ में आया तो क्या था उसको देख लेते हैं। तो क्या चीज क्या चीज यहाँ पर देखा बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चाहिए? तो दो चीज, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था? आहार नाल, और दूसरा लार ग्रंथि। जब दोनों को मिलावेंगे तब जाकर के क्या बन जाएगा हमारा? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। ठीक है, अकेले से बोलते हैं ना, कहावत सुना होगा, अकेला चना भार नहीं पोता, तो अकेले आहार नाल कुछ नहीं कर सकता, या तो अकेले लार ग्रंथि कुछ ना कर सकता, दोनों चाहिए तो चाहिए, दोनों रहेगा तब होगा काम, और नहीं रहेगा तो नहीं। पचवे नहीं करेगा, खाएंगे पचेगा नहीं, जिसको बोलते हैं लूज मोशन, जिसको कहते हैं अगर बारी रात ना रहेगा तब पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, और पानी को ऑब्जर्व नहीं करेगा तो लूज मोशन होगा। और इसी के भी बताओ, जो लूज मोशन के चलते कौन सा बीमारी हो जाता है, उससे रिलेटेड कौन, उससे संबंधित कौन सा बीमारी है? डायरिया का। सुनो कि डायरिया से मरा है, तो डायरिया होता है ना, उसमें लूज मोशन होता है, उसमें इतना ज्यादा 25-30 बार एक दिन में लैट्रिन जाएगा, अब बताओ दिन भर का चीज करेगा, ओखरे में घुसल रह जाएगा, है ना। तो वो जो है ना, वो सब किसके वजह से होता है? तो पानी की वजह, पानी अगर नहीं अब्जॉर्ब कर पाया बढ़िया, तब ये वाला प्रॉब्लम होता है, और डायरिया बीमारी में ही बढ़िया काम करना बंद करता है। तो सोच लो एक बात कि 1 बजे बंद किया से आदमी के जिंदगी जीना मुश्किल कर दिया। तो यही बात, सिर्फ यही नहीं है, ऐसा है, ऐसा सब है कि अगर ये खाएंगे ही नहीं तो अंदर जाएगा कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर जाएगा तो ये वाला नहीं रहेगा तो अमाशय में कैसे पहुंचेगा? तो ये सब जो है, सब यानी कह सकते हैं जितना भी इसका पार्ट्स है उस सब मिलावेंगे तभी जाकर के हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनेगा।
ठीक है, और उसमें महत्वपूर्ण कौन है, तो सब महत्वपूर्ण है। ऐसे मत कहना कि खाली एगो मुंह महत्वपूर्ण, नहीं यू महत्वपूर्ण, इसको खाएगा तो रखेगा कहाँ, रखने के लिए स्टोरेज भी चाहिए, अगर स्टोर रख लेंगे तो उसको पचावेगा कहाँ, तो उसके लिए छोटी गैस भी चाहिए, अब पानी पिया तो कहाँ जाएगा, तो उसको पचावेगा कौन, बड़ी गैस चाहिए, अब जब वेस्टेज बच गया उसको निकाले कैसे, तो एनएस भी चाहिए, यानी सब कुछ हमको चाहिए, सब इम्पोर्टेंट है, कोई भी चीज मत समझना कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं, सब इम्पोर्टेंट। अब बताओ ग्रांति नहीं इम्पोर्टेंट है, अब बताओ एक बात, अच्छा बच्चा के दांत ज्यादा तेज रहता है कि बड़ा के तेज रहता है, बच्चा कभी उसका दांत गंदा नहीं होता है, कहे आगे समझेंगे इसमें, ठीक है, लार की वजह से जानवर का कभी दांत गंदा होता है नहीं, जब चमके रहता है हमने क्या पीला हो जाता है कि नहीं, तो इसके बारे में तो हम लोग यहाँ पर देखे क्या, पाचन तंत्र में दो चीज हमको देखने को मिला, एक मिला आहार नाल और एक मिला हमारा ग्रंथि यानी लार ग्रंथि। तो आहार नाल के हम लोग पहले पढ़ेंगे और लार ग्रंथि को बाद में। तो सबसे पहले बात हम लोग जो आसान भाषा में उसको पढ़ते हैं और फिर उसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा अगर हम लोग सबसे पहले आए किसमें, बक्कल कैविटी में, तो बक्कल कैविटी में आवेंगे यानी मुख गुहा में, तो पहले याद करते हैं और फिर बाद में पढ़ते हैं, याद करो सबसे पहले कहाँ आएगा, मुख गुहा, कहाँ आएगा मुख गुहा, कहाँ आएगा मुख गुहा, जिसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, भर जाता है, क्या इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी, क्या बोलते हैं इसको बक्कल कैविटी। उसके बाद आता है ग्रास नली जिसको बोलते हैं ओएसोफेगस, क्या बोलते हैं इसको ओएसोफेगस यानी ग्रास नली। सबसे पहले मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ओएसोफेगस, उसके बाद ओएसोफेगस मतलब ग्रास नली, ओएसोफेगस मतलब ग्रास नली, सबसे पहले मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी, सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय जिसको हम लोग स्टोमेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको स्टोमेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टोमेक, यही होता है पेट, इसी में खाना जाता है तो 4 घंटा तक रहता है, ठीक है, पूरा पूरा पचाने में खाने को 6 घंटे के आसपास समय लगता है, ठीक ना। तो ये पहला बात किसमें, मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, दूसरा बात ग्रास नली, तीसरा में आमाशय, आमाशय में पहुंचने के बाद ये जब देखोगे तो ऐसे ऐसे आया होगा, और ये देखो ये यहाँ पर एक बात समझाते हैं, यहाँ पर देखोगे तो ये ऐसे करके ये पार करल है, ये कटलन है, तो ई वाला जो है तुम्हारा ये नीचे घुस गया है, और ये जो पचौनी इससे जो देख रहे हो ना ये पूरा इससे मुड़ल रहता है, और मुड़ करके देखोगे तो ये यहाँ से आया है और तब जाकर के ये इसे करके इसे भागा है इसे। तो ये जो नीचे मिला बीच वाला भाग इसको बोलते हैं स्मॉल इंस्टेंटाइन यानी छोटी आंत, क्या बोलते हैं इसको छोटी आंत या ना तो स्मॉल इंस्टेंटाइन, अब जानते हो एग्जाम में कब देता है, आंत ना देगा इंस्टेंटाइन दे देगा, ठीक है। अब जो आज बच्चा स्मॉल इंस्टेंट टाइम का सुनबे ना किया हुआ, खाली छोटी याद पढ़ ले गया हुआ, तो क्या काम चलेगा, वो कर कहोगे फेल कर जाएगा, अरे जानते हुए भी वो नंबर नहीं ला पाएगा, कारण क्या था, दोनों चीज इसलिए जाओ। तो सबसे पहले क्या बोले, कहाँ जाएगा, उसके बाद सबसे पहले सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद अमाशय, सबसे पहले मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमाशय, उसके बाद अमाशय, अब उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, और लास्ट में गुदा, लास्ट में गुदा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एनस, क्या बोलते हैं इसको एनस, उसके बाद एनस। तो देखो लिख देते हैं, सबसे पहले हम अगर देखे तो हमारा किसके पास आया है, मुख गुहा के पास, मुख गुहा। देखो ये साइंस पढ़ रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश के बारे में नहीं सोच, ठीक है। इसके बाद हम लोग आए कहाँ, मुख गुहा में थे, उसके बाद ग्रास नली में, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे कि ग्रास नली।
ठीक है। अब इसके बाद जब हम नीचे आवेंगे तो इसके बाद ये वाला था ना, और ये वाला आ जाएगा किसमें? अमास। इसके बाद बताओ ये वाला पचाऊंगी छोटी या बच्चे बोलते हैं छोटी या स्मॉल इंस्टेंट, यानी ये हमारा हो जाएगा छोटी आंत, छोटी आंत। अब उसके बाद बड़ी आंत लार्ज इंस्टेंट आइन, और सबसे लास्ट में गुदा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एनस। ठीक है, तो देखो यहां लिख दिए, सबसे पहले कहां जाएगा? मुख गुहा। फिर ग्रास नली। सबसे पहले मुख गुहा, फिर ग्रास नली, फिर अमास है, फिर छोड़िया, फिर बढ़िया, फिर गुद्दा। खाना हजम हो गया, खाना हजम हो गया, जितना निकाल जितना आपको लेना था ले लिए। लेकिन ये था हमारा अभी पढ़ाई ऊपर ऊपर, अब इसके अंदर अभी घुसना है। अब जब मुख गुहा में जाएंगे तो मुंह किसको बिना चबाइले तो खानों को अंदर जाएगा, जाने तो देगा नहीं, तो हमको क्या चाहिए? दांत। तब इसमें हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में अभी तुरंत। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे थे इसको ऊपर ऊपरी भाग पढ़ रहे थे कि जब मेन रूप से कि इतना तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर यही हम कह देते कि ना अमाशय के भी तीन भाग ओकरो बांट दो, छोटी आंत के भी तीन भाग ओकरो बांट दो, फिर यहाँ पर बड़ी आंत है तो ओकरो चार भाग में, एक है ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक ऐसे वाला, और फिर वो यहाँ पर हो गया रेक्टा, फिर यहाँ पर हो गया, इस प्रकार से देखें तो कितना मैंने याद एक बार में होता। लेकिन अभी बताओ इतना याद हो गया कि नहीं? yes. इतना याद हो गया ना, तो क्या क्या याद होगा से बताओ। मुख गुहा, सबसे पहले मुख गुहा, फिर उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद अमास है, उसके बाद छोड़िया, उसके बाद बढ़िया, उसके बाद गुद्दा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं बक्कल कैविटी, ठीक है, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के बारे में। तो इसको तुम लोग को तो लिखना है या नहीं लिखना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? देखो इसमें बहुत सारा कुछ तुमको देखने को मिलेगा। क्या चीज करेंगे इसमें? ऐसे बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसका नाम बताइए तीनों का, ठीक ना? तो सबके बारे में पढ़ेंगे। तो उसके पहले हम लोग पढ़ लेते हैं दांत के बारे में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तो कोई ना तीन बजे से बोलो तो अपने से पहला, फिर ग्रास नली, फिर अमास है, फिर छोड़िया, फिर बढ़िया, फिर गुद्दा। तो अब हम लोग आते हैं मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी वाला पार्ट कौन वाला तुमको देखने को मिलेगा? ऊपर मुंह वाला। तो हम लोग यहाँ पर खाली अगर लिख देते कि ऐसे करके जो ऐसे आता तो यही वाला कौन हो गया? बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। अब मुख गुहा में अगर देखे तो इसमें तीन चीज हमको देखने को मिलेगा मुंह। एक तो तुम जानते हो कि लार्व मिलेगा तो मिलेगा, लार बता ना, लार ग्रंथि तीन को वहां पर मिलेगा, लेकिन अभी हम लोग तीनों को नहीं पढ़ेंगे, लार ग्रंथि समझेंगे। तो ये अगर मान लेते हैं कि हमारा अगर मुंह होता, ठीक ना, तो इस मुंह में तुम्हारा तीन चीज मिलेगा मुख गुहा में। क्या चीज? तीन चीज। एक तुम्हारा है सबसे पहले लार ग्रंथि, और इसके बाद है जीव, और उसके बाद तुम्हारा कौन सा आएगा? एक बात बताओ, जीव के पाचन में कोई काम है? नहीं। जिस प्रकार से सब्जी में सब्जी बनाते समय छोलने का कोई काम रहता है, खाली पलटने ना, और कोई काम रहता है नहीं? उधर चबाता भी नहीं,
कुछ भी नहीं, लार भी नहीं निकालता है। लार निकालता कौन है? लार ग्रंथि, जीभ नहीं निकालता। तो यहाँ पर पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र में जीभ का कोई काम नहीं। जीभ खाली क्या करता है? टेस्ट बताता है कि कड़वा है कि खट्टा है कि मीठा है कि तीता है ना। आप बताओ, जिसका जीभ का सेंस खराब हो जाए उसको दे दो क्या चीज? मिर्चाई मिर्ची ला के दे दो, हाँ वो क्या होगा उसका स्थिति, समझ रहे हो ना? तो खा तो लेगा, उसको स्वाद ही बचेगा, लेकिन पेट में जाने का उसमें थोड़ा सा टेंशन देगा, ठीक है। और बाद रखनी उसको एनस से निकालेगा ना, तो तकनीक भी टेंशन देगा दो जगह। तो देखो इसका अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, इसको तो पाचन सिस्टम, पाचन तंत्र में कोई काम धाम नहीं है, इसको हटा दो। अब भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो दांत के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग लिख हेडिंग डालते हैं दांत। तो दांत को हम लोग पढ़ते हैं ना, तो दांत का अगर बोलेंगे टेक्निकल नाम क्या है? ओडोंट, ठीक है। तो उसको स्टडी करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। जिसको डेंटल बोलते हैं ना, डेंटल नहीं बोलते, पैरामेडिकल डेंटल हो गया, ये सब हो गया। तो डेंटल पैरामेडिकल से बता रहा हूं, जो डेंटल हॉस्पिटल जहां पे लिखा रहता है वो किस चीज का इलाज करता है? दांत से। तो डेंटल, ठीक है। तो जहां पे अगर डेंटल की चीज आता है तो समझ लो कि वहां दांत से रिलेटेड कोई ना कोई बीमारी का इलाज करता होगा या कुछ होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम दांत के बारे में पढ़ेंगे तो इसका दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांत कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। कैल्शियम, दांत दो चीज से बना होता है, कैल्शियम फास्फेट और दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे पहली बात किसको हम लोग स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टडी को क्या बोलते हैं? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है। कितने प्रकार से बना होता है? कितने चीज से बना होता है? दो चीज, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दांत में जानते हो दो परत होती है, देखिए एक सुना होगा दांतवा सड़ जाता है तो फिर सड़ते जाता है तो लास्ट में क्या कहता है? एक निकाल दो, एक कोई फायदा नहीं है ना, खाली दर्द दे देते रहे। एक से अच्छा है चले एक ही बार दर्द दे, है ना, बार बार नहीं दर्द दे, एक ही बार दर्द दे खत्म हो जाए। तो यहाँ पर दो परत मिलता है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। बाहरी परत बहुत मजबूत होता है, बहुत कठोर। ऐसी तरह तुमको हम बताते हैं कछुआ, देखो ना कछुआ का जो दांत होता है जबड़ा बहुत मजबूत होता है। वो अगर चाहेगा काल अगर दोगे ना उंगली पता चलेगा कि हड्डिया बचा है कि नहीं, ठीक ना, वो हड्डियों के काट देता है, ऐसा बहुत मजबूत होता है कछुआ। कैसे कछुआ का कोई प्यार से खिलाए मत जाना कि लो लो बिस्कुट लो बिस्कुट लो, मत कहना, मैं तो कहा करेगा वो तुम्हारा खिलाए वाला हाथी काट देगा। कहता है ना एक मुगे अजमेर, इस मूवी देखा है ना, हाँ। जो प्रतिमा बनाता है, है? अरे जो जाता है मॉल में, जो जो मूर्तियां बनाता है, तो कहता है शाहजहां ने भी मूर्ति हाथ कटवा दिया था, तो ऐसे ही कहेगा कछुआ भी, हमको तू खाना देता है, हम अब तुमको हम ऐसा बना के रखेंगे कि कोई दोबारा तुम खाने देने लायक भी नहीं बन नहीं रहोगे, ठीक ना। तो इसी याद रखना, कछुआ को खाना देने से अच्छा उसको खाना नहीं दूर से दे दो, सटा करके हाथ से प्यार से नहीं दो, ठीक है, नहीं तो कछुआ खा जाएगा। तो बात समझ में आ गया किसमें दांत किसका मजबूत रहता है सब ज्यादा? कछुआ। लेकिन कछुआ के नहीं, हम लोग का भी दांत रहता है ना मजबूत रहता है, लेकिन कौन वाला परत? बाहरी परत, आंतरिक आंतरिक परत नहीं। जो बाहरी परत होता है वो इनामेल का बना होता है, बाहरी परत इनामेल का, और जो आंतरिक परत होता है वो डेंटाइन का बना होता है। तो जैसे देखा होगा कि ई वाला ऐसे है ना, ऐसे थोड़ा सा दांत होता है ना, ऐसे करके ऐसे लगता है। तो ये जो उपरेला जो परत हो गया तुम्हारा, ई वाला परत वा, ठीक ना, कौन वाला? ये व्हाइट वाला, ये जो बना है ना, ये मान के चलो कि हो गया आंतरिक परत। ध्यान दे, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है ये उपरेला व्हाइट वाला, ये तुम्हारा मान लो कि ऊपर वाला है, और ये है इनामेल का बना, किसका? इनामेल। और यही है मजबूत, ये जहां छाय हुआ, छाय मतलब टूटते गया, कट गया,
थोड़ा सा अगर छेद हो गया, समझ लो कि कीड़ा एकरा अंदर से खोखला करने में जर को देरी नहीं लगा देगा, ठीक ना, आसानी से तुरंत तुरंत उसको क्या कर देगा, खोखला करके खत्म कर देगा, ठीक ना। बैठो उधर कोना में, चलो बात समझ में आया तुमको, बोलो क्या समझ में आया। दांत का कितना परत, दो। कितना में दांत का कितना परत, दो परत, पहला बाहरी और दूसरा आंतरिक, बाहरी और आंतरिक। बाहरी किसका बना होता है, इनामेल का। बाहरी किसका बना होता है, इनामेल का। किसका, इनामेल का। और आंतरिक होता है डेंटाइन का। किसका होता है, डेंटाइन का। अब यहाँ पर बताएं कि जो भी मजबूती जो देना होता है वो कौन वाला देता है, उपरेला देता है। उपरेला खोड़ हुआ कि नीचे वाला में खोड़ करने में चार को भी देरी नहीं देता। अब इसका पर जो है सो मुंह में दिन भर जब तक खाइते कर रहोगे कचर पचर कुछ भी, ठीक ना, कुछ खा लो, वो अंदर जो लार ग्रंथ है वो निकालता है, वो ऐसा लार ग्रंथ होता है कि जो भी इसके ऊपर कीटाणु जमा है ना उस सबको साफ करते रहता है। लेकिन वही जब हम लोग सो जाते हैं, ठीक है, तब वो लार निकलना बंद हो जाता है। और जब लार निकलना बंद हो जाएगा तो साफ होगा रात में, लार में बच्चा के निकलता है बड़ा के तभी तो बाल का बूढ़ा हो गई बिगुड़ी हो गई, ऐसे तो ना है, तो छोटे है ना इससे भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये तो इनका जो है ना, तो बच्चा क्या होता है रात में, रात में निकलता ही नहीं है ला, तो इसलिए इतना जो खचर पचर खाए थे सब कीटाणु कहाँ है, मुंह में जमल है। अब वो जब जमल है तो क्या होगा, धीरे धीरे तो काटेगा और वही धीरे धीरे एक खोड़ कर रहा है, किसको, इनामेल को, उपरेला परत के धीरे क्या करो खोड़ करते जा रहा। और इस अब यही जब पूरा मुंह तीन दिन चार दिन पांच दिन ना धोबो तो काला काला हो जाता है कि नहीं, पहले पीला होगा फिर काला होगा, और वो जो पीला और काला होगा तो वही तुम्हारा दीदी क्या कर रही, खोड़ कर रहा। और ये अंदर वाला का जो कलर होता है ना वही करिए करिए होता है टाइप, ठीक ना, भूरा टाइप के होता है, ठीक ना। तुझे जो सुना होगा कि अगर कैविटी हो गया है तो अगर देखना दांतों में तो मतलब वही पूरा उजला नहीं रहता है, काला टाइप का रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा धीरे धीरे खोड़ होता जाता है। तो इसी को हम लोग बचाने के लिए क्या करते हैं, सुबह उठते हैं और लेते हैं ब्रश पकड़ के साफ कर लेते हैं, है ना। अगर वो ब्रश ना लेते नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे इनामेल को खोखड़ा करते जाए, कौन जो खाया था ना दिन भर रात तक, ठीक है, रात भर नहीं रात तक खाया था सोने के पहले थे उस सब एक राम में हालत खराब कर दे जाए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या करेंगे हम लोग, क्या करते हैं सुबह सुबह मुंह धोते हैं। अब बात समझ आ गया। अब यही जिसका इनामेल खराब हो जाता है ना, तुरंत तुरंत कीटाणु क्या करता है, खोड़ करते जाता है। और जब इतना दर्द देता है, जब थोड़ा सा भी कीटाणु काटता है तुमको विश्वास नहीं है, चुट्टी से कटवा यहाँ और वही चुट्टिया से कमा में घुसा कर होगा लगेगा कि मेरा जान ही निकलेगा, है ना, प्राण है ये नहीं है, खत्म। ये इतना ज्यादा दर्द करता कहे। और यहाँ पर एक बताओ, तुम छोड़ो कोई चीज रेंगा एकरा पर दर्द नहीं करेगा, हाथ पर रेंगाने से कानों में रेंग गया तो भी बहुत मुश्किल है। तो यही बात है इसमें कि दांत सब क्या एकदम सेंसिटिव है, एकदम छोटा चीज अगर इसमें काटेगा हल्का भी काटेगा तो दर्द जो है ना बहुत जोर से होगा। और जब